सो हाई गाइस, माय नेम इज यू एंड यू वाचिंग द रॉक्स वाईटी चैनल। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम C3 एयरक्रॉस की, बट उससे पहले मैं आपको सी ट्रॉन की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ। C3 वाले वीडियो में भी आपको मैंने हिस्ट्री शेयर की थी, बट इसमें भी आपको मैं हिस्ट्री शेयर कर देता हूँ। तो सीट्रॉन ब्रांड जो है वो 1919 में एस्टेब्लिश किया था एंड्रॉयड सीट्रॉन ने, जो कि सीट्रॉन कंपनी के फाउंडर है, और जो है वो उनका फर्स्ट प्रोडक्ट मॉडल ए था, जो कि 10 हॉर्स पावर बनाता था। बट हाँ, उन्होंने जब इंडिया में एंट्री ली वो ली 2021 में, और उनकी जो फर्स्ट कार थी वो C5 एयरक्रॉस थी, और देन C3 आई, देन EC3 आई, फिर C5 एयरक्रॉस पे अपडेट आया, और फिर अब C3 एयरक्रॉस जो है वो मार्केट में आ चुकी है। इसकी फुल ऑन डिटेल में बात तो करेंगे, एक्सटीरियर इंटीरियर इंजन ऑप्शन क्या क्या आपको देखने मिलते हैं सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस में, देन आपको गेयरबॉक्स क्या ऑप्शन देखने मिलते हैं, सबकी बात करेंगे, लेंथ विड्थ हाइट। और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। आपको सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस का इंजन दिखा देते हैं। चलो इसको ओपन करने के लिए दो हाथ लगेंगे, सो जो है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। सो C5 एयरक्रॉस की आप देख सकते हो जो इंजन आपको देखने मिलता है, 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आपको देखने मिलने वाला है, 110 PS, एंड साथ ही साथ जो है वो 90 Nm का आपको टॉर्क देखने मिलता है। इधर आपको बैटरी प्लेसमेंट दिखने मिल जाएगी, नीचे आपको इंजन कवर नहीं देखने मिलता, साथ ही साथ ये टर्बो आप देख सकते हो, और ओवरऑल आपको इधर इंजन ऑयल आपको जाता है, फिर ओवरऑल जो है वो आपको जो दूसरे फ्लूइड्स देखने मिलते हैं, ये वॉशर फ्लूइड आप इधर से डाल सकते हो, देन साथ ही साथ जो है वो आपकी देख सकते हो बॉनेट ओपन करने का जो लीवर है वो इधर दिया गया है, मतलब इस तरीके से आप जो है वो बॉनेट ओपन करोगे। ऊपर आपको इंसुलेशन भी देखने मिलता है। ये है 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन और 110 PS की पावर, एंड साथ ही साथ जो है वो आपको 190 Nm का टॉर्क देखने मिलता है। डिसेंट है कार के साइज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो C3 में भी आपको जो है वो इंजन का ऑप्शन देखने मिलता है, एंड माइलेज जो ये आपको ऑलमोस्ट 15-16 की निकाल के दे देगा। 18 क्लेम माइलेज है, बट 15-16 आराम से चला गए तो आपको ये निकाल के दे देगा हाईवेज पे, सिटीज़ में थोड़ा कम देगा बट देगा ज़रूर। एंड यहाँ से आपको जो है वो AC वगैरह की फीलिंग भी देख सकते हो। सो ऐसा इतना कुछ ओवरऑल इंजन भी इसका देखने मिलता है। आपका जो ये एरिया है, देन ये आपका नीचे वाला एरिया है, वो आपको जो है वो ओपन देखने मिलने वाला है, जिससे जो है वो ब्रीदिंग कार की अच्छी हो जाएगी। लाइट्स और उसके कंट्रोल्स भी आप इधर देख सकते हो, ये देखो आप लाइट दिख रही है। अच्छा, की की बात करें तो की आपको जो है वो ये तरीके इस तरीके की देखने मिलती है, लॉक देन ये अनलॉक, और ये आपको बेसिक फिजिकल की देखने मिलने वाली है इसमें, और जो है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन कार में नहीं आता, सो आपको जो है कार इधर से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी की लगा के। और अब इस बोनेट को करते हैं बंद, और चलो बोनेट को करते हैं बंद, और आपको आगे फ्रंट में क्या क्या ऑप्शन में देखने मिलता है, मतलब क्या क्या हेडलाइट्स देखने मिलती है वो सब देख लेते हैं। सो आपको ओवरऑल फ्रंट से दिखा देते हैं, आप तो कोई इधर सीट्रॉन का लोगो देखने मिल जाएगा, जो कि ऑल द वे मर्ज करके है आपके DRLs के साथ, और ये आप देख सकते हो हैलोजन लाइट्स आपको इधर देखने मिलती है, हाई बीम लो बीम इसमें ही आपको देखने मिलने वाला है, और नीचे आपको जो है वो फॉग लैम्प देखने मिलता है। साथ ही साथ आपको जो है पियानो ब्लैक फिनिशिंग का इस्तेमाल यहाँ पे ग्रिल पे किया गया है ऑल अराउंड, देन इधर थोड़ा सा वाइट एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि अच्छे और सटल लगती है ओपन के लिए, मतलब ब्रीदिंग के लिए आपको जो है वो इधर इतना ये जो ग्रिल है, देन नीचे की जो ग्रिल है वो आपको ओपन दिखने मिलती है। सीट्रॉन का लोगो ऑल द वे आपके जो DRLs है उसके साथ मर्ज करेगा, ये आपको जो है वो अंदर जो है इंडिकेटर्स लाइट्स, और इधर ही आपको जो है वो पार्किंग लाइट आती है, मतलब ये जो है वो आपकी पार्किंग लाइट बन जाती है, और साथ ही साथ आपको जो है वो यहाँ पे इंडिकेटर भी अंदर प्लेसमेंट देखने मिलता है इंडिकेटर्स का, फॉग लैम्प आपको देखने मिलता है, नीचे सिल्वर स्कीड प्लेट भी आपको देखने मिलने वाली है, और ये जो है कलर आप देख रहे हो ये कॉस्मोस ब्लू जो है वो कलर है, एंड ओवरऑल मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से कुछ जो है वो लगने वाला है इस ये कलर, और ऊपर जो है वो आप देख सकते हो ड्यूल टोन का ये कलर है। सो आपको जो है वो 7 तरीके के ड्यूल टोन ऑप्शन, देन 4 तरीके सॉरी कुछ ड्यूल टोन ऑप्शन जो है वो आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। देन आपको जो है वो इधर रेगुलर वाइपर्स देखने मिलने वाले, एंड बॉनेट के ऊपर देखिए तो थोड़ी सी स्टाइलिंग दी गई है, मतलब कट्स एंड क्रीसेस जो है वो बॉनेट के ऊपर थोड़ी बहुत दी गई है, एंड साथ ही साथ बात कर लेते तो आपको जो है वो ये जो एरिया है वो अच्छा दिया गया है, मतलब ऐसा जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा एरोडायनामिकली अच्छे से कट किया हुआ दिया गया है। टायर की बात कर लेते हो आपको जो है वो 215-16 R17 इंच के आपको जो है वो एलॉयज देखने मिलते हैं, डायमंड कट एलॉयज ही मिलेंगे आपको, जो कि 17 इंच के आते हैं, और आपको जो है वो मार्क पियर्सन सस्पेंशन आगे देखने मिलने वाला है,
थ्रू आउट आपको जो है वो बॉडी क्लैडिंग दिखने मिलने वाली है कार की। और ये देख सकते हो आप सिट्रॉन लिखा हुआ है, अटेंशन टू डिटेल अच्छा दिया गया है सिट्रॉन में। एंड देन वो रेंज सेंसर्स और उसके वाइपर्स जो है वो कंसेंसर सीधर नहीं कहते बिकॉज कार में रेंज सेंसर वाइपर्स नहीं है। और साथ ही साथ ये आपको देख सकते हो मिरर पे भी आपको जो है वो ड्यूल टोन वाला कलर इस्तेमाल किया है, वाइट कलर। इंडिकेटर्स आपको इधर मिरर पे देखने मिलते हैं, C3 में मिरर्स पे नहीं आते हैं इंडिकेटर्स। एंड ओवरऑल जी देख सकते हो आप बॉडी क्लैडिंग अच्छी दी गई है सिट्रॉन C3 एटक्रॉस में। देन ये आपको डोर फ्लैप्ड हैंडल देखने मिलते हैं, यहाँ से आप फिजिकल की लगा सकते हो। बाय द वे फिजिकल की आपकी इधर लगती है, ये आपके इंडिकेटर स्टॉक्स और वो सब भी बात हम करेंगे वीडियो में आगे बढ़ के। ऊपर आपको जो है वो रूफ रेस देखने मिलते हैं, आई थिंक सो ये फंक्शनल है। एंड आपको जो है वो लेंथ इसकी कितनी देखने मिलती है वो आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, 4323 आपको जो mm की है जो लेंथ देखने मिलती है। और आपको जो विथ है वो आपको कितनी देखने मिलती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बाय द वे यहाँ पे आपके जो है वो स्पेसिफिकेशन भी दिए गए हैं, सो आप देख सकते हो ये आपकी जो लेंथ है, विथ है आपकी, विथ ऑलमोस्ट 1780 दिया गया है, मतलब इस तरीके से। हाइट जो है वो आपको 7 सीटर 5 सीटर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिल जाएगा। और व्हील बेस जो है वो आपको 2670 mm का दिया गया है। और साथ ही साथ विथ की बात कर ले तो वो मैंने आपको दिखाई दिया कि इस तरीके से कुछ विथ देखने मिलता है। और साथ ही साथ जो है वो फ्रंट एरिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताओ। और साथ ही साथ जो है वो हम साइड में बढ़ते हैं आगे। बाय द वे ये कार की लेंथ आपको इस तरीके से भी देखने मिलती है, सो ये भी आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। ये विथ है, ये इसकी पीछे की विथ है, देन ये ओवरऑल हाइट है आपकी। और व्हील बेस आपको जो है 2670 mm का दिया गया है। ओवरऑल लेंथ कार की आप नीचे ये देख सकते हो। देन आपको जो दूसरी स्पेसिफिकेशन है आपको इधर देखने मिलती है, सेम टायर आपको पीछे भी देखने मिलने वाला है 215/16R17 इंच का। पीछे आपको जो है वो ड्रम ब्रेक देखने मिलती है, आगे आपको डिस्क ब्रेक देखने मिलने वाली है जिसकी साइज भी अच्छी दी गई है, मतलब बड़ी डिस्क ब्रेक दी जाती है। मड फ्लैप्स आपको ज़रूर देखने मिलने वाले कार में। आपको पीछे जो है वो ये एलिमेंट जो है वो इसमें मिरर देखने मिलने वाला है, मतलब क्वार्टर ग्लास आपको देखने मिलता है। एंड जो है ये आप इधर इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो अपने सिट्रॉन C3 एटक्रॉस की। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। और ये आप देख सकते हो कॉस्मोस ब्लू का कलर दिया गया है, रूफ आपको पोलर वाइट में देखने मिलती है, ये चेसिस नंबर मॉडल नंबर। और ये जो है वो आपको देखने मिलता है, अगेन वेरिएंट की बात कर लेते हैं तो आपको इसमें 3 वेरिएंट्स देखने मिलते हैं, यू जो कि बेस वेरिएंट है, प्लस जो कि मिड वेरिएंट है, और मैक्स जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है जिसमें आपको 5-seater 7-seater दोनों का ऑप्शन देखने मिलता है। तीनों 3 वेरिएंट में आपको जो है 5-seater 7-seater का ऑप्शन देखने मिलने वाला है। आपको लाइट बता देते हैं पीछे, तो इस तरीके से कुछ लाइट जो है वो लाइट अप होती है रात में। और ये जो है वो LED ट्रीटमेंट लग रहे हैं, बट एक्चुअली LED है नहीं, ये बल्ब ही दिए गए हैं। ये आपको जो इंडिकेटर वो भी आपको बल्ब देखने मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो सिट्रॉन लिखा हुआ है अंदर। और ये एरोज बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छे दिखाए गए हैं। C3 एयरक्रॉफ की आपको बैजिंग देखने मिलेगी, क्रोम की आपको स्ट्रिप देखने मिलने वाली है थ्रू आउट, और प्योरटेक की बैजिंग आपको इधर देखने मिलने वाली है। सिट्रॉन का लोगो के साथ साथ सिट्रॉन की ब्रांडिंग देखने मिलती है। यहाँ पे बहुत अच्छी प्यारो ब्लैक फिनिशिंग की जो स्ट्रिप है वो बनी हुई है, जो कि अच्छी लगती है डिज़ाइन वाइज। रियर वाइपर वॉशर्स आपको ज़रूर देखने मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने मिलते हैं, साथ ही साथ आपको ऊपर शार्क फिन एंटीना देखने मिलता है विद स्पॉइलर। एंड आपको जो है वो 2 पार्किंग सेंसर ही देखने मिलने वाले हैं, सो कॉस्ट कटिंग हुई है गाइज। आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने मिलने वाला है, यहाँ पे आपके लाइसेंस प्लेट आ जाएगी। और रिफ्लेक्टर्स आपको इधर देखने मिलते हैं, सिल्वर स्किट प्लेट आपको पीछे भी देखने मिलती है, नीचे ही आपको जो है वो स्पेयर व्हील देखने मिलता है जो कि एक साइज छोटा है, एंड उसकी भी आपको डायमेंशन देखने मिल जाएगी। बाय द वे इसकी फ्यूल लिड ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। आपको पैनो ब्लैक फिनिशिंग आपको जो है सराउंडिंग में देखने मिल जाएगी लाइट्स के। एंड साथ ही साथ जो है वो आपको इधर 215/16R17 व्हील तो मैंने दिखाई ही दिया, आपको पीछे जो है वो कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन का इस्तेमाल किया गया है। एंड ये है इसकी बूट स्पेस, एंड आपको कुछ 511 लीटर्स की बूट स्पेस देखने मिलने वाली है। अगर आपको ये जो सीट वाला वेरिएंट नहीं लेते हो तो आपको इधर ट्रायंगल वार्निंग ट्रायंगल देखने मिलता है,
एंड यहाँ पे आपको 3 kg का हुक देखने मिलने वाला है, पार्शियल ट्रे आपको ऊपर देखने मिलती है, लगेज लैम्प आपको इधर देखने मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको जो है वो दूसरे कुछ टूल किट्स देखने मिलते हैं कार के। और यहाँ ये 5-seater हमारा वेरियंट है, सो आपको जो है वो इधर सीट्स नहीं देखने मिलती, अदरवाइज जो है वो 7-seater में सीट्स भी कार में आपको देखने मिलने वाली है। सो 7-seater वाला जो वेरियंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे दिखने में लग रहा है, बट आप यहाँ से पकड़ के जो है वो इसको बंद कर सकते हो, दोनों ही साइड दिया गया है। एंड इस आपको जो इलेक्ट्रॉनिक रिलीज का बटन भी इधर दिया जाता है, मतलब एंड आपको ऊपर पार्शल दिखने मिलती है जो कि बहुत ही रगेड दी गई है। एंड चलो इसको करते हैं बंद। ओरल बूट स्पेस आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो बाय द वे। एंड यहाँ पे आपको लाइसेंस लाइट्स भी देखने मिलती है बाय द वे। कैमरा आप देख रहे हैं, कैमरा आपको देखने मिलता है। और चलो पीछे जाते हैं, आपको रियर स्पेस दिखा देते रियर। एंड जो है वो आप इधर देख सकते हो, मतलब डोर हैंडल आपको देखने मिलते हैं, साथ ही साथ आप जो है इधर सॉफ्ट टच का मटेरियल देखोगे आप दिखने मिलता है। यहाँ पे आपको जो है वो स्पेस देखने मिलती है जिसके आप पकड़ के बंद कर सकते हो। आपको पैनो ब्लैक फिनिशिंग आपको देखने मिलती है। वाटर होल्डर्स आपको 1 liter की इधर आ जाएगी। स्पीकर्स आपको 6 कार में देखने मिलते हैं एंड 4 2 tweeters एंड 4 स्पीकर्स कार में आते हैं। ऊपर आपको जो है ग्रैब हैंडल देखने मिलता है, लाइट ऊपर आपको दी जाती है एंड आपको जो है वो सेंटर में आर्मरेस्ट दी जाती है। यहाँ पे आप फोन वगैरह रख सकते हो, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स दिए जाते हैं। कार का रिक्लाइन आई थिंक सो है ना सेट होता है, मतलब ये जो है वो सेट होता है आई थिंक सो, नहीं गाइस नहीं होता, पूरा ऑल द वे एक ही रिक्लाइन एंगल में आप बैठ सकते हो जो कि कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। अगर देखें मेरे एस्पेक्ट से देखें तो आपको इतनी स्पेस देखने मिलती है, अगेन जो है वो आपको इतनी स्पेस देखने मिले, मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होगी, बट हाँ मेरे से बड़े वाले बंदों को दिक्कत हो सकती है। मेरा हेडरेस्ट की बात करें, हेडरूम की बात करें तो आप देख सकते हो इतना जो है वो हेडरूम मेरे लिए तो दिया गया है। यहाँ पे स्कूप डाउट भी किया गया थोड़ा बहुत, सो ये थोड़ा हेल्प कर सकता है आपको। अदरवाइज आपको जो है वो इधर 2 हेडरेस्ट देखने मिलते हैं, सेंटर वाले को हेडरेस्ट नहीं आता है, बट उसके लिए सीट बेल्ट भी नहीं दिया जाता है। लैप बेल्ट आपको ज़रूर देखने मिलता है पर वो प्रॉपर सीट बेल्ट नहीं आता है। और साथ ही साथ जो है वो वाइट इंटीरियर आपको दिया जाता है, एक ही इंटीरियर ट्रिम आपको आई थिंक सो देखने मिलती है कार में। एंड ऊपर आपको जो ओवरऑल जो है वो इंटीरियर आपको बीच में ही देखने मिलेगा। आपको थोड़ा बहुत जो है देख सकते हो ग्रे फिनिश में दी जाती है। 10-inch की स्क्रीन, 7-inch का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ओवरऑल आप डैशबोर्ड का लुक देख लो अपनी स्क्रीन पे, आपको वर्टिकल AC वेंट्स भी देखने मिलते हैं। एंड साथ ही साथ जो है वो इतने कुछ एमिनिटीज आपको जो है पीछे देखने मिलती है। और साथ ही साथ ड्यूल USB-A पोर्ट्स आपको देखने मिलते हैं इधर। सेंटर में थोड़ा बहुत हम्प दिया गया है, सो थर्ड पैसेंजर को थोड़ी ऐसा दिक्कत होगी, बट हाँ आपको जो है वो इतनी ऐसा बैठना पड़ेगा थर्ड पैसेंजर को अगर वो बैठना चाहे तो, बच्चा हो तो आराम से बैठ सकता है। और आपको इधर एक कप होल्डर भी देखने मिलता है या वाटर होल्डर। आप इधर से जो रियर विंडोज़ की कंट्रोल्स इधर दिए जाते हैं आपके लिए, यहाँ पे नहीं मिलते वो, यहाँ पे सेंटर में दिए जाते हैं। सो थोड़ा अर्गोनॉमिकली इश्यूज आ सकते हैं। आपको इधर जो है वो मैगजीन होल्डर्स देखने मिलने वाला है। सो एज सच कार प्रैक्टिकल तो है, बट कुछ फीचर्स जो है वो मिस है तो चलेगा। मतलब अगर आपको ये कार की ओवरऑल प्राइसिंग भी जो है वो 10 lakh से स्टार्ट होने वाली है, और इसकी ओवरऑल प्राइसिंग आपको मैं बता देता हूँ। थर्ड वर्ड भी अच्छा आता है कार में। आपको जो है वो इधर पैसेंजर्स को क्या क्या देखने मिलता है तो आपको भी बता दिया। इधर सॉफ्ट टच आता है, विंडोज़ के कंट्रोल इधर दिए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है वर्टिकल AC वेंट्स आपको इधर दिए जाते हैं। पैसेंजर को सिर्फ रिक्लाइन का ऑप्शन दिया जाता है को ड्राइवर को, और आगे पीछे भी वो कर सकता है बट वो हाइट एडजस्ट नहीं कर सकता जो कि एक दिक्कत है। बट आपको बीच में सीट देखने मिलती है, कंफर्टेबल दी जाती है, आप देख सकते हो। बॉस्चर सपोर्ट भी अच्छा दिया गया है, बॉस्चर सपोर्ट और जो है वो स्टिचिंग विचिंग की क्वालिटी है वो अच्छी है। आपको इधर एयरबैग भी देखने मिलता है, यहाँ पे आपको अच्छी फिनिश दी जाती है, बट ये है प्लास्टिक ही। यहाँ पे भी आप थोड़ी स्लाइड स्पेस दी जाती है। ग्लव बॉक्स आप देख सकते हो, बहुत ही डीप दिया गया है ग्लव बॉक्स। एंड अंदर लाइट और कूलेंट वगैरह का फंक्शन नहीं है, बट आप इधर पेन वगैरह और बुक्स वगैरह रख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो PSA ग्रुप का लोगो भी बना हुआ है, ये देख सकते हो PSA ग्रुप का लोगो बना हुआ है। एंड पेन वैन भी रख सकते हो, और जो है वो नीचे ऐसे इतनी कुछ स्पेस आपको देखने मिलने वाली है।
साथ ही साथ जो है वो ये देख सकते हो, मतलब स्क्रूज आपको जो है वो देखने मिलेंगे, मतलब देखने ऐसे अपने आंखों से ही देखने स्क्रूज देखने मिलेंगे। इसको हाइड कर सकते थे अच्छी तरीके से बट नहीं किया है। और अब मैट वगैरह जो देख सकते हो वो एसेसरीज के थ्रू आप ले सकते हो। ये जो मैट आपको देखने मिलती है, यू कैन चेक इट आउट, मैट की क्वालिटी अच्छी है। एंड ओवरऑल जो है वो इसको करते हैं बंद, और आपको जो है वो मिरर पे मैंने इंडिकेटर्स और ये सब तो दिखाई दिए आपको देखने मिलते हैं। साथ ही साथ ड्राइवर की तरफ जाते हैं, ड्राइवर को क्या देखने मिलता है वो हम देख लेते हैं। चलो बंद कर लिया। यहाँ पे आपको जो है ट्विटर की प्लेसमेंट दिखने जरूर देखने मिलने वाली है, और वहाँ पे भी एक ट्विटर की प्लेसमेंट, मतलब टोटल 4 स्पीकर्स एंड 2 ट्विटर्स की सेटिंग्स और मतलब स्पीकर्स आपको देखने मिलते हैं। जो ORVM आप देख रहे हो वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होते हैं, ORVM फोल्ड एंड फोल्ड नहीं होते हैं, आपको मैन्युअली ही करना पड़ेगा। आप देख सकते हो मतलब इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का तो इधर दिया गया है जो स्विच है वो, मतलब नॉब, एंड आपको इधर रियर विंडो जो है वो लॉक करने, मतलब चाइल्ड लॉक के लिए दिया जाता है। ऑटो स्टार्ट एंड स्टॉप बट गाड़ी में दिया जाता है स्विच। यहाँ पे 2 डमी स्विच देखने मिलेगी। मैकेनिकल हेडलाइट लेवलिंग कार में आपको देखने मिलती है, और चाबी तो मैंने आपको दिखाई दी, लॉक एंड अनलॉक के ही फीचर्स इसमें देखने मिलते हैं। स्टॉक आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार, जो है वो ये लाइट का स्टॉक है, ये आपका जो इंडिकेटर्स का एंड देन मेन लाइट का स्टॉक दिया जाता है। हाँ, और ये जो है वो आपको इधर वाइपर का स्टॉक दिया जाता है। ऑटोमेटिक वाइपर्स ऑटोमेटिक हेडलाइट्स कार में नहीं आते हैं, सो जो है वो आपको इधर से स्टॉक से ही आपको जो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा सब कुछ चीज़ें, बट ये और ऑब्वियसली कंट्रोल में है, मतलब आपके हाथ में ऐसे कंट्रोल में आ जाते हैं। टाटा की तरह नहीं है कि मतलब दूर चले गए, ऐसा नहीं है। और जो है वो स्टेयरिंग व्हील आप हाइड्रो मतलब ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो, मतलब ऊपर नीचे कर सकते हो मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते। टेलीस्कोपिक एडजस्ट नहीं है, टिल्ट एडजस्टेबल दिया गया है। ये 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इधर देखने मिलता है, और यहाँ पे आपको वर्टिकल एसी वेंट्स देखने मिलते हैं, जो कि सराउंड में आपको जो है वो सिल्वर फिनिश एंड पियानो ब्लैक की फिनिश दी जाती है। यहाँ पे प्लास्टिक की क्वालिटी डिसेंट है, ऐसा इतना मतलब जो है वो प्रीमियम नहीं लगता है। ब्लश एल्युमिनियम फिनिश में आपको डोर हैंडल्स देखने मिलते हैं, 2 विंडोज के कंट्रोल आपको इधर देखने मिलेंगे जो कि दोनों के आएंगे। रियर विंडोज के कंट्रोल सेंटर में दिए जाते हैं, कॉस्ट कटिंग थोड़ी बहुत हुई है, और यहाँ पे पैनो ब्लैक की फिनिश, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे 1 लीटर की बॉटल आपकी आ जाएगी। स्पीकर की प्लेसमेंट आपको इधर देखने मिलती है, यहाँ से आप जो है वो फ्यूल जो है वो इधर से मतलब ऑन ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको बोनेट का ओपन करने के लिए दिया जाता है लीवर, आपको एक्सीलेटर ब्रेक और देन क्लच की लीवर्स दिए जाते हैं, और जो है वो इतने डीप नहीं है, मतलब है हाँ डीप है गाइस, डीप है क्लच का जो लीवर है वो डीप है, और थोड़ा सा हैवी भी दिया जाता है। ओवरऑल आपको जो है वो एक्सीलेटर इतना ही जाता है आपका। बात कर लेते हैं स्टेयरिंग व्हील की, तो आपको इधर सेटन का लोगो देखने मिलता है स्टेयरिंग पे। यहाँ पे मेन्यू के कंट्रोल्स जो कि आपको इसके लिए देखने मिलते हैं, इसके लिए जो है वो ये कंट्रोल्स देखने मिलने वाले हैं, एंड ये जो कंट्रोल्स है वो आपकी टच स्क्रीन के लिए देखने मिलते हैं। इसमें आपको एयरबैग आ जाएगी, हॉर्न इधर नहीं बजा के दिखा सकते अभी इस एट अ मोमेंट, बट आपको 3 स्पोक स्टेयरिंग व्हील देखने मिलता है जो कि कुछ इस तरीके से लेदर रैप आपको देखने मिलने वाला है। एंड यहाँ पे थोड़ी अच्छी ऐसी फिश में जो है वो फिनिश दी जाती है, सिल्वर फिनिश दी जाती है, और स्पेस भी दिया जाता है, मतलब आपको ऐसा पकड़ना तो आप पकड़ सकते हो, इस तरीके से आपको अगर आदत हो तो पकड़ सकते हो, बट बाय द वे ऐसा ही आपको पकड़ना चाहिए, ये सेफली अच्छा रहता है। इधर जो है वो क्वालिटी जो है वो अगेन हार्ड प्लास्टिक्स दिए जाते हैं, बट इधर जो फिनिश है वो बहुत अच्छी ब्रोंज में दी जाती है, ये जो फिनिश है वो गोल्डनिश फिनिश दी गई है यहाँ पे। एंड जैसे कि आपको मैंने नीचे बटन्स तो दिखाई ही दी है, आपको नीचे बेज का भी इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे भी बेज का इस्तेमाल हुआ है। ओवरऑल जो है वो इस तरीके से डैशबोर्ड आपको देखने मिलता है, फोकस हाँ बस, तो इस तरीके से आपको जो है वो डैशबोर्ड देखने मिलता है। स्टेयरिंग व्हील की तो बात हमने कर ली, अब आते हैं सीधा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, जो कि 7 इंचेस का देखने मिलता है, और आपको एक बार मैं सेट करके हाँ तो चलो मेन्यू आपको देखने मिलता है, इसमें व्हीकल की सेटिंग आ जाती है, ओके, देन स्पीड अलर्ट, रिमोट अनलॉक, ये सब जो है वो आपको देखने मिलता है इसमें। अब डोर अनलॉक और ये सब जो सेटिंग्स है वो देखने मिलती है। देन आपको नीचे आए तो आपको यूजर सेटिंग्स, देन चेक, नो अलर्ट, मेंटेनेंस, और इतने कुछ मेन्यू आपको देखने मिलते हैं। ओवरऑल जो है वो आपको नॉर्मल प्रेशर देखने मिलता है, मतलब टायर प्रेशर मॉनिटरिंग कार में आती है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिलता है, और ये इग्निशन पे, इसके लिए आपको जो है वो ये जो लाइट्स है वो देखने मिलती है, अदरवाइज ये चालू होने पे नहीं आती है।
और जो है वो आपको इको मीटर दिखाएगा, मतलब इको जो इको मोड पे होगी तो आपका जो है वो इधर नॉर्मल दिखाने वाला है, टेम्परेचर आउटसाइड वाला दिखाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आपके जो माइलेज की कंट्रोल से वो दिखाएगा, मतलब ट्रिप ए 1 2 3 ऐसा, और बीच में आपको जो है वो माइलेज दिखाने वाला है। ओके करोगे तो रिसेट हो जाएगा। 17 किलोमीटर्स कार का जो टोटल ओडोमीटर आपको नीचे दिखा देगा। ये ट्रिप बी का डेटा है, और अगेन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आ गया है फिर से, और साथ ही साथ जो है वो आरपीएम आपको दिखा देगा। आरपीएम गेज जो कि 8 तक देते हैं, मतलब टॉप पेट्रोल है, सो 8 तक आपको आरपीएम देखने मिलने वाला है 8000 तक। ये इको मीटर और फिर से जो है ये आएगा, मतलब इतने कुछ कंट्रोल्स आपको देखने मिलते हैं, और कुछ कंट्रोल्स नहीं दिए जाते हैं अनफॉर्चुनेटली कार में। सो ऐसा तुम ज़्यादा प्ले कर नहीं सकते इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ, बट अगेन C3 में जो है वो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर क्लस्टर दिया जाता है, मतलब वो तो डिजिटल स्क्रीन ही दी जाती है, जो आपकी जो क्लॉक में आती है वो डिजिटल स्क्रीन दी जाती है, बट अदरवाइज इसमें जो है वो बहुत ही अच्छे से चेंज कर दिया है सीट्रॉन ने। और यहाँ पे आपका जो है वो ये TFT डिस्प्ले बाय द वे, और ये जो है वो आपको 16 किलोमीटर्स की जो रेंज आपको ये दिखाएगा कितनी है। यहाँ पे आपका आउटसाइड टेम्परेचर दिखाने वाला है, एंड ये फिर से फिर वही सब कंट्रोल्स आपको देखने मिलते हैं, और होल्ड टू रीसेट, ओके टू रीसेट, और ये सब जो कंट्रोल्स है वो आपको देखने मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको जो है वो टचस्क्रीन के कंट्रोल्स देखने मिलते हैं, सो टचस्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पे जो है वो अच्छी पियानो ब्लैक की फिनिशिंग दी जाती है, जिसके कारण जो है वो फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छे से लगेंगे। यहाँ पे आपको बीच में वर्टिकल एसी वेंट्स नहीं बट हॉरिजॉन्टल एसी वेंट्स देखने मिलते हैं, मैनुअल एसी आपको सेंटर में देखने मिलने वाला है, ऑटोमेटिक होना चाहिए था बट कोई नहीं, मैनुअल दिया जाता है, एंड और हाँ डी फॉगिंग के लिए अलग से बटन दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, और ये बहुत ही काम आता है फॉगी सिचुएशन में। बाय द वे आपको आपको USB देखने मिलते वाला है, हैजार्ड लैंप का स्विच आपको बीच में देखने मिलेगा, अगेन ये बहुत अच्छी बात है कि स्विच जो है वो स्विचेस दी जाती है। 12V का सॉकेट आपको इधर देखने मिलता है, आपको इधर जो है वो फोन रख सकते हो, वायरलेस चार्जिंग वगैरह के फीचर्स जो है वो आई थिंक सो एसेसरीज में देखने मिलते होंगे, बट यहाँ पे भी आपको जो है कभी स्पेस देखने मिलता है जो कि डीप है। यहाँ पे आप अपने मोबाइल रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे दो कप होल्डर्स आपको देखने मिलते हैं। 6 speed का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको देखने मिलने वाला है, जो कि टर्बो पेट्रोल 110 के साथ आएगा, सिल्वर फिनिश के साथ आपको सराउंडिंग में देखने मिलने वाला है, आपको मैनुअल हैंडब्रेक कार में देखने मिलती है। यहाँ पे भी जो है वो ऐसे यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते बिकॉज हैंडब्रेक डाउन हो जाएगी, तो आपको जो है वो ये स्पेस चली जाएगी, और सेंटर में आपको जो है वो इधर विंडोज के कंट्रोल और देन बॉटल होल्डर देख सकते हो। बाय द वे यहाँ पे आपको जो है वो हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं आते हैं कार में, रेगुलर सीट बेल्ट आपको देखने मिलते हैं, आपको ऊपर जो है वो ब्लाइंड देखने मिलता है, सन ब्लाइंड देखने मिलते हैं, जो कि साइड में इससे इतना कुछ हेल्प नहीं कर सकता बिकॉज भाई ये न्यू कार है, इसके लिए जो है वो हार्ड है, हाँ मतलब साइड में जो है वो इतनी कुछ स्पेस छोड़ दे रहा है, सो इतना कुछ यूजफुल नहीं लगेगा आपको, बट दिया जाता है वो बहुत बड़ी बात है। एंड लाइट आपको सेंटर में देखने मिलती है, जो कि अगेन हेलोजन है, मतलब इसमें जितनी भी लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है वो हेलोजन का ही इस्तेमाल किया गया है। आपको जो है वो मैनुअल IRVM देखने मिलता है, डे एंड नाइट है बट वो मैनुअली करना पड़ता है आपको, एंड आपको जो वो स्क्रीन पे आते हैं तो आपको स्क्रीन, आपको मैंने C3 में भी ये स्क्रीन दिखाई थी, और इसमें आपको रेडियो के कंट्रोल्स आते हैं, फ़ोन के कंट्रोल्स आपको देखने मिलने वाले हैं, एंड्रॉयड ऑटो आपको देखने मिलता है, एप्पल कारप्ले, दोनों ही चीज़ें वायरलेसली चल जाती है, मीडिया के कंट्रोल्स, ब्लूटूथ के कंट्रोल्स, देन डिवाइस लिस्ट आपको देखने मिलता है। सेटिंग्स में जंप करते तो जनरल सेटिंग्स आपको देखने मिलती है, इंग्लिश, फैक्ट्री रीसेट, वाईफाई, और जो है वो ये सब चीज़ें देखने मिलने वाली है। अच्छा बाय द वे इसमें 35 कनेक्टेड कार फीचर्स आपको देखने मिलते हैं, सो बहुत ही अच्छी बात है कि कनेक्टिविटी कार में दी जाती है। सेटिंग्स में जम करते डिस्प्ले की सेटिंग्स आपको देखने मिलती है, दो ही सेटिंग्स आती है, ऐसा जितनी कुछ ज़्यादा सेटिंग्स है नहीं, बट ओवरऑल रिजोल्यूशन जो है वो स्क्रीन का अच्छा दिया गया है, और ऑडियो सेटिंग्स आपको देखने मिलती है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि 6 speakers आपको इसमें देखने मिलने वाले हैं, 2 tweeters एंड 4 speakers देखने मिलते हैं, और व्हीकल्स की सेटिंग में बस अलर्ट्स आपको देखने मिलने वाले हैं, क्लॉक की सेटिंग में डेट टाइम और जो GPS से सिंक कर सकते हो, और चलो रेडियो आपको मैं बजा के दिखा देता हूँ एक बार इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है 6 speakers की। एक
सो हमको कॉपीराइट आ जाएगा। चलो जो है वो इतनी कुछ फ़ोन सेटिंग्स आपको कार में दिखने मिलने वाली है, मतलब इतनी कुछ जो सेटिंग्स हैं वो आप आपके फ़ोन में कर सकते हो। एंड ये GPS जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो, अब जब आपका स्मार्टफोन कनेक्ट होगा तभी इनबिल्ट इसका नेविगेशन चलने वाला है, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। एंड यहाँ पे आपको जो है वो रेडियो बताएगा, डेट बताएगा, टाइम बताएगा। सो इतनी कुछ ये जो है वो आप इधर से भी ओवरऑल जो है फ़ोन उठाने या काट सकते हो, वॉल्यूम अप डाउन एंड देन ये सोर्स चेंज कर सकते हो, वॉइस कमांड दे सकते हो। एंड चलो अब जो है वो नीचे तो आपको मैंने दिखाई दिया सेंटर कॉन्सोल में क्या क्या देखने मिलता है। आपको जो है वो इधर सीट एडजस्टमेंट कितने देखने मिलते हैं वो देख लेते हैं। तो आपको जो है वो यहाँ पे आपको हाइट के लिए एडजस्टमेंट देखने मिलने वाला है, रिक्लाइन के लिए एडजस्टमेंट देखने मिलने वाला है, एंड साथ ही साथ जो है वो आपको लीवर जो है वो आगे पीछे कर सकते हो वो वाला देखने मिलता है। इंफॉर्मेशन जाननी है C3 एयरक्रॉस के बारे में, बाय द वे आपका जो चेसी नंबर इंजन नंबर है वो यहाँ पे आ जाएगा लिख के। ग्राउंड क्लियरेंस की बात की कि नहीं मुझे पता नहीं, बट 200 mm का इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने मिलता है, जो कि जिससे जो है वो कार माइनर ऑफ रोडिंग कर सकती है, सॉफ्ट रोडिंग कर सकती है। और इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग व्हील आपको देखने मिलने वाला है, 5.4 meters का आपको जो है टर्निंग रेडियस देखने मिलने वाला है, और साथ ही साथ क्या देखने मिलता है मैंने आपको जो बताना, और हाँ ये देख सकते हो मतलब स्पेयर व्हील का जो है वो डायमेंशन आपको इधर देखने मिलते हैं, 205/65 16 inch के जो है स्टील रिम आपको देखने मिलने वाला है। सो स्पेयर व्हील जो है वो फुल साइज नहीं है। एंड साथ ही साथ जो बात कर लेते हैं तो आपको जो बूट स्पेस है वो मैंने दिखा दिया कि कुछ 5 seater में 444 का होगा, 5.5+2 अगर आप लेते हो तो ये कुछ होगा, देन ये 800 जो है वो बूट स्पेस आपको 800 इतना कुछ देखने मिलता है। सो एक बार जो है वो मैं आपको 7 seater भी दिखा देता हूँ। सो इस तरीके से जो 7 seats का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने मिलता है। एंड चलो मैं बैठ के आपको दिखा देता हूँ कि ओवरऑल कैसे लग रहा है 7 seater का कम्फर्ट। बाय द वे इतनी कुछ स्पेस आपको जो है वो 7 seater में देखने मिलती है, मतलब माइनर, बहुत ही माइनर स्पेस आपको देखने मिलने वाली है। और लगेज लैंप आपको देखने मिलता है, ये सीट को मतलब आप जो है वो कुछ करके मतलब ये सीट को ऑल द वे निकाल भी सकते हो, मतलब ये दोनों ही सीट निकल जाती है, हाथ में आ जाती है, जिसका वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो। और जो है वो इसकी हाइट थोड़ी माइनर ज़्यादा दी जाती है। और चलो मैं आपको बता देता हूँ पीछे जाके कैसी लग रही है ओवरऑल। और इस रोप को आपको जो है वो फोल्ड हो जाएगी, आपकी सीट इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी, देन इस तरीके से जाना पड़ेगा, आपको अंदर बैठना पड़ेगा, और जो है वो आपको ऐसा दिखने मिलने वाली है। ये सीट भी मैं आपको फोल्ड दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह लॉक हो जा भाई। सो ये जो है वो आपको फट से लॉक करनी पड़ेगी, पर रहने दो, इसको ओपन ही रहने दो, बाय द वे हम निकल नहीं पाएंगे। बाय द वे आपको जो है वो 7 seater में ये वाला एडिशन देखने मिलने वाला है, जो कि है रियर AC वेंट्स का, मतलब रियर ब्लोअर्स आपको 3 settings देखने मिलती है इधर, 3 blower की स्पीड देखने मिलने वाली है, और यहाँ पे छोटा सा क्वार्टर ग्लास देखने मिलता है। बाय द वे इधर बैठ के मैं आपको बता देता हूँ कि कैसी स्पेस ओवरऑल लग रही है। और हाँ यहाँ पे आपको जो है वो 2 USB A type देखने मिलने वाला है पीछे चार्जिंग के लिए, कप होल्डर सबको इधर देखने मिलते हैं जो कि उस वाली में नहीं थे 5 seater में। सो कुछ ये आप देख सकते हो इस तरीके से कप होल्डर देखने मिलते हैं। बाय द वे ये जो है सीट वो बच्चों के लिए बेस्ट दी जाती है गाइस, बिकॉज मतलब देख सकते हो मेरी हाइट ऑलमोस्ट 5.6 है और मैं इधर एज सच कम्फर्टेबल नहीं हूँ। हाँ मतलब बैठ सकता हूँ, पर लॉन्ग जर्नीस पे नहीं बैठ सकता मैं, मतलब आप देख सकते हो अंडर थाई सपोर्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और जो है वो इतनी कुछ लेग स्पेस तो देखने मिलती है, अगेन लेग स्पेस अच्छी है, बट अंडर थाई सपोर्ट बिल्कुल ही पुअर है, बिकॉज आप बिल्कुल चेसिस पे बैठ रहे हो ऐसा लग रहा है आपको। और हाँ मतलब बच्चों के लिए बेस्ट दिए गए हैं। बाय द वे आपको 2 headrests पीछे देखने मिलते हैं, रियर माउंट जो है वो इधर देखने मिलता है, आपको इधर हुक्स भी देखने मिलते हैं, और कप होल्डर वगैरह भी आपको देखने मिलने वाला है, 2 USB A की चार्जिंग देखने मिलती है, जिससे बच्चे जो है वो बिजी रहेंगे और उनको पता नहीं चलेगा। और चलो इसको ऊपर करते हैं और बाहर निकलते हैं। बाय द वे मैं आपको ये वाली जो सीट है वो ऑल द वे टम्बल होती है इस तरीके से, आगे जो रोप मैंने जैसे कि ये जो है वो रोप से जो है वो आगे पीछे हो जाती है आपकी, जो है वो यहाँ पे ब्लोअर सेटिंग्स देखने मिलती है, लाइट आपको दिखने मिलने वाली है,
पैनल गैप्स थोड़े बहुत ये गए हैं गाइस, और यहाँ पे जो है वो ब्लोअर मतलब एयर इनसे सक करेगा और फिर इधर से ठंडी करके आपको भेजेगा। एसी नहीं है ये, एक्चुअली वन टाइप ऑफ ब्लोअर ही दिया गया है। एंड टू हेडरेस्ट आपको इधर देखने मिलते हैं। बाय द वे इसमें आर्मरेस्ट आती नहीं है, 7 सीटर में आपको आर्मरेस्ट नहीं देखने मिलती। बाय द वे ये है टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ही है ये, और सबसे महंगा वेरियंट यही है 7 सीटर वाला। और मतलब बाय द वे इधर से बैठने के बाद कार जो है वो बहुत ही लंबी लगती है, नो डाउट अबाउट इट। और कुछ एमिनिटीज जो है वो इधर दी जाती है, लाइट दे सकते थे बट नहीं दिया है, बट आपको सीट बेल्ट जरूर देखने मिलते हैं। और बच्चों के लिए बेस्ट जगह है ये। बाय द वे किसी को अगर जाना हो तो शॉर्ट डिस्टेंसेस में जा सकते हैं, लॉन्ग में नहीं जा सकते वो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जो इस तरीके से आपको जो सीट देखने मिलती है, बाय द वे ये सीट मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ी सी दिक्कत वाले काम है बट चलेगा। और बस इतना ही कुछ, मेनली आपको 7 सीटर में चेंजेस देखने मिलने वाले हैं। ये एसी वेंट्स और जो सीट्स का कंफर्ट है वही देखने मिलेगा। बाय द वे ये वाइट कलर है जो कि मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, सो आप देख सकते हो पोलार वाइट एंड प्लैटिनम ग्रे ऑलमोस्ट डुअल टोन दिया जाता है। सो इस तरीके से जो है वो ओवरऑल वाइट का लुक देखने मिलने वाला है। आपको ब्लू या वाइट कौन सी अच्छी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ। और ये 5 सीटर है वो 7 सीटर है, साथ ही साथ कौन सी डिटेल बाकी रह रही है आप मुझे कमेंट में बताओ। ये जो प्राइस है स्टार्ट हो रही है ऑलमोस्ट 10 लाख से स्टार्ट हो रही है, 9.99 लाख से जो है वो सीटोन C3 एड को स्टार्ट हो रही है। टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट की प्राइसिंग अभी तक नहीं आई है, बट मैं आपको बता सकता हूँ अराउंड जा सकती है 15-16 लाख, उससे ज़्यादा हुई तो ओवर प्राइस हो सकती है कार, बिकॉज कार में ऐसे फीचर्स नहीं आते हैं जितने चाहिए उतने नहीं आते, थोड़े बहुत आपको जो है वो फीचर्स देखने मिलेंगे। बट बाय द वे कार जो है वो एक SUV है, MPV नहीं है, भले इसमें 7 सीटर्स है बट ये MPV नहीं है, ये एक SUV है जो कि 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। मतलब आप देख सकते हो मेरा पैर से भी ज़्यादा इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड और कौन सी डिटेल बाकी है आप मुझे कमेंट में बताओ। बाय द वे 25,000 से जो है इसकी बुकिंग अमाउंट पे करके आप जो है वो कार को बुक कर सकते हो। डिलीवरी स्टार्ट होने वाली है 11 अक्टूबर से, अराउंड 11 अक्टूबर। सो अगर आपको विजिट करना हो सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस इन वडोदरा, तो आप जो है वो रिलायंस मॉल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो सीट्रॉन का शोरूम है जिसका एड्रेस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अदरवाइज आप स्क्रीन पे भी चेकआउट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको मैंने प्रोवाइड कर दिया है। सो आप जाके मतलब इधर आके चेकआउट कर सकते हो सीट्रॉन C3 एयरक्रॉस। C3 में भी जो है वो डिफरेंट वेरियंट्स है अपने पास, देखो जैगुआर जा रही है, और डिफरेंट जो है वो इंजन ऑप्शन भी अवेलेबल है टेस्ट ड्राइव्स के लिए। C5 एयरक्रॉस भी हमारे पास अवेलेबल है, सो आप आगे टेस्ट ड्राइव ले सकते हो एनी टाइम। एंड ओवरऑल जो है सो आपको कैसी लगी C3 एयरक्रॉस आप मुझे कमेंट में बताओ। बाय द वे वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है बट चलेगा, C3 एयरक्रॉस का वीडियो मोस्ट डिटेल हो सकता है ये। सो चलो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक ऑल न्यू कंटेंट के साथ। आई थिंक मैंने कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना की हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको वहाँ पे आंसर दे दूंगा। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई हो या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट में कर सकते हो, अदरवाइज आप हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वहाँ पे जाके जो है वो DM भी कर सकते हो। सो बाय द वे आपको C3 कैसी लगी आप मुझे कमेंट में बताओ, आपको जो है इस तरीके से की देखने मिलती है। चलो वीडियो को करते हैं एंड, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में।